सो गाइज़ वेलकम टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब गाइज़? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आपके लिए लेकर आई है, जिससे आप बहुत आसानी से घर बैठे नेल्स लगाना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रियल नेल्स को बफिंग कर लेंगे, अच्छे से रब करना है, बफ करना है, ताकि हमारे जो नेल्स होते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं, वो अच्छे से हमारी रियल नेल्स पे बैठ सके। तो अच्छे से सारे नेल्स की बफिंग कर लेंगे एक बफर की हेल्प से। आप देख रहे होगे कितना बफ हो रहा है। बस इस नेल एक्सटेंशन में एक ही चीज़ करनी है आपको, बफिंग करनी है एंड बफिंग करनी है। हाँ, इतनी ज़्यादा मत बफिंग कर देना कि नेल से आपके रियल स्किन से ब्लड आने लगे। तो आप ध्यान से बफिंग करना। उसके बाद नेल्स को लिया है और साइज़ का देखा है अपनी फिंगर का, और एक ग्लू की हेल्प से, नेल ग्लू की हेल्प से उसको लगा दिया है। तो आप देख सकते हो कि जब हम नेल एक्सटेंशन करवाते हैं, तो उसके लिए हमारे नेल्स में प्रॉपर पूरा नेल्स नहीं लगाया जाता, हाफ नेल्स लगाया जाता है। तो ऐसे ही हम दूसरे पे भी कर लेते हैं, दूसरे नेल पे भी नेल लगा दिया है, ऐसे ही करके हम सारे नेल्स पे नेल्स लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, ताकि जिसको भी इंटरेस्ट हो घर बैठे कुछ सीखने का, फ्री में सीखने का। मैं आपको नेल एक्सटेंशन लगाना सिखा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अभी हमारे नेल्स सारे लग चुके हैं, अब हम लेंथ को कट कर लेते हैं एक कटर की हेल्प से। तो जितना हमें नेल्स को लेंथ रखनी है उतना कटर से कट कर दिया। बाकी आप देख ही सकते हो वीडियो में कि मैंने ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं, सॉरी नेल्स नहीं रखवाए थे। मैं शॉर्ट में मतलब इतना था कि मेरे से काम हो जाए, मुझे प्रॉब्लम ना हो, इतना मैंने लेंथ रखवाया था। उसके बाद उस नेल्स को भी अच्छे से बफिंग करेंगे एंड एक शेप दे देंगे। मेरे को सॉफ्ट स्क्वायर शेप चाहिए था, इसलिए मैंने सॉफ्ट स्क्वायर शेप करवाया। आपको जो शेप अच्छा लगे आप वो शेप करवा सकते हो। तो आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से बफिंग कर रहे हैं एंड सारे नेल्स को शेप देते हुए अच्छे से ऊपर से भी बफिंग हो रही है नेल्स के, ताकि हमारे रियल नेल्स और फेक नेल्स इक्वल हो जाएं, लेयर उनके ऊपर से इक्वल लगे। ज़्यादा उभरा हुआ लगेगा तो वो अजीब लगेगा, इस वजह से उनको इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। एंड देख सकते हो कि मुझे शर्म आ रही थी चलो कोई बात नहीं। तो अभी ये नेल्स की बफिंग हो गई है, शेप बन गई है। अब यूज़ कर रहे हैं एक्रिलिक पाउडर और मोनोमर। तो एक्रिलिक पाउडर और मोनोमर से भी हम नेल्स को कर सकते हैं एंड हम जेल से भी कर सकते हैं नेल्स को। तो एक शेप देते हुए एक्रिलिक पाउडर को ब्रश की हेल्प से लगाया जा रहा है। आप नेल्स पे देख सकते हो कि पीछे हल्का सा पुश करके, थोड़ा सा उठाव देकर पूरे नेल्स पे एक्रिलिक पाउडर फैलाया जा रहा है। तो ऐसे ही पूरे नेल्स में लगाएंगे, पांचों फिंगर में लगाएंगे। बहुत ही ये काम बहुत ही ज़्यादा बारीक है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक्रिलिक पाउडर मोनोमर में जाते ही फिंगर पे जैसे ही आता है ना, वो ड्राई हो जाता है। तो आपको उसी टाइम तुरंत ही उसको अच्छे से मेल्ट करना होगा, ब्लेंड करना होगा सॉरी। सो अभी सब फिंगर्स पे लग गया है, आप देख सकते हो अभी थंब की बारी है। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद बहुत प्यारी चीज़ होने वाली है। आप देखना चाहोगे तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू फैमिली, यूट्यूब फैमिली पे भी मेरी फैमिली बन रही है धीरे धीरे, सही बट बन रही है, इस बात से मैं हैप्पी हूँ। सो अभी आप देखो एक्रिलिक पाउडर ड्राई हो गया है, इसे यूवी लाइट में रखने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही ड्राई हो जाता है। उसके बाद एक पुशर टूल से उसको सेट किया जा रहा है, ताकि अगर बैक साइड में हमारी थोड़ा सा भी रह गया हो तो वो निकल जाए इजीली। अच्छे से हमारी स्किन को थोड़ा सा पुश किया जा रहा है। उसके बाद इसे बफिंग करेंगे अच्छे से, इसको भी बफिंग करना इम्पॉर्टेंट है। एक लेवल में लेकर आएंगे नेल्स की, जो रियल नेल्स है और जो फेक नेल्स है उसको एक रियल में लेकर आएंगे। बफिंग करो गाइस और शेप देते हुए करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा एक्सिस कहीं पे लगा हो तो वो रिमूव हो जाए अच्छे से। अभी बफिंग हो रही है, आप देखो तब तक देखो और क्या करोगे। फ्री में सिखा रही हूँ यार, फ्री में सीखो, फ्री में कोई नहीं सिखाता, मैं सिखा रही हूँ और आपको पूरा प्रोसेस सिखा रही हूँ कैसे करना है। बस आपको प्रैक्टिस करनी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। मैं अपने हाथ में खुद नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मैंने किसी और से करवाया है।
मेरे एक हाथ के नेल्स लंबे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है उन हाथ पे, मैं सेकंड हाथ में करवा लेती हूँ कभी कभी बाहर जाके, मैं लोगों को इतना करती हूँ तो मैं भी तो जाऊँ ना किसी के पास अपनी खातिरदारी करवाने। सो अभी बफर से अच्छे से उसको बफ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जितना भी एक्सेस होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और एक लेवल में नेचुरल लुक देगा एकदम, तो लगेंगे नहीं कि ये फेक है। अभी हम एक नेल पेंट लगा रहे हैं जो है न्यूड कलर की, मुझे न्यूड कलर बहुत पसंद है पर्सनली, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं ज़्यादातर लिपस्टिक भी न्यूड कलर की ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे को न्यूड कलर अच्छा लगता है। सो अभी अच्छे से नेल्स पे नेल पेंट लगाई जा रही है, मेरे एक फिंगर पे ग्लिटर अप्लाई करना है तो इसी वजह से उस फिंगर को अभी छोड़ दिया गया है, बाकी सारे फिंगर्स पे नेल पेंट लगा दी गई है। नेल पेंट लगाने के बाद हमारी रिंग फिंगर पे आएगी ग्लिटर नेल पेंट। आपको तो ये भी पता होगा कि मुझे ग्लिटर कितनी ज़्यादा पसंद है, मैं तो ग्लिटरों की दीवानी हूँ, उनकी जो चमक धमक है ना, ओहो हो बहुत ही अच्छी है। सो अभी ग्लिटर नेल पेंट की बारी आ गई है तो ग्लिटर नेल पेंट लगाएंगे। सो मेरा ये पूरा प्रोसेस ग्लिटर नेल पेंट या नॉर्मल नेल पेंट आप लगा लो, टू टाइम लगी थी तो आपको तो पता ही होगा कि आपको टू टाइम, नॉर्मल भी अगर आप कोई नेल पेंट लगाते हो तो टू कोट आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद यूवी लाइट में इसको ड्राई किया गया, यूवी लाइट में इसको 45-47 सेकेंड के लिए रखा गया, सेकेंड लगा लो मिनट लगा लो, वैसे 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट में भी 60 सेकेंड होते हैं, तो 47-45 सेकेंड इसको रखा गया है, ये 45 सेकेंड में ही ड्राई हो गया है। उसके बाद हम लगाएंगे स्टोन, अब आई है रियल स्टोन की बारी। थोड़ी सी खांसी हो रही है तो मेरी खांसी को इग्नोर करना गाइस, आपको मैंने प्रोडक्ट भी दिखाए हैं अगर आप देख सकते हो तो। उसके बाद डबल कोट लग रहा है, अभी डबल कोट लग रहा है, लगाओ भैया सही से लगाओ, अच्छी लगने चाहिए मेरे हाथ, सबको लगे कि वाओ क्या नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। सो आपने तो थंबनेल पे देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कभी कभी कर लेती हूँ, अगर चीटिंग नहीं करूँगी तो आप लोग मेरा वीडियो कैसे देखोगे, इसलिए मैंने थंबनेल पे कोई और फोटो लगा दिया पर कोई बात नहीं, इतनी चीटिंग चलती है, माफ़ कर दोगे ना आप लोग, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए एंड मेरी सारी वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अभी डबल कोट हो गया है, इसको भी यूवी लाइट में सुखाएंगे, ड्राई करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी पी लिया मैंने क्योंकि बोल बोल के मेरा गला सूख गया है। ओके तो सेकंड कोट हमारा ग्लिटर का भी अप्लाई हो गया है, यार ग्लिटर इतना प्यारा लग रहा था ना रियल में, बहुत ऑसम लग रहा था, मतलब ये वाइट था बट इसमें ना मल्टी शेड की शाइनिंग आ रही थी ना, वो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था। तो अभी बारी आती है स्टोन लगाने की, तो सबसे पहले जो ग्लिटर नेल पेंट अप्लाई किया था वही ग्लिटर नेल पेंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे साइड साइड में, राउंड शेप देते हुए अपने नेल्स के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ किया है, और उस लाइन ड्रॉ करने के बाद उसी लाइन के ऊपर स्टोन अप्लाई कर दिए हैं। मैंने पूछा भी था ये कैसे हुआ, अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि किसी को पता था कि ऐसे भी स्टोन लग सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप देख सकते हो कि एक प्यारी सी पतली सी लाइन ड्रॉ की है उसके बाद स्टोन उठाने स्टार्ट किया एंड लगाने स्टार्ट कर दिए। ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं की ताकि आप आराम से देख पाओ सीख पाओ कि कैसे स्टोन लग रहे हैं, इसलिए मैंने नॉर्मली चलने दिए, तो आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत लंबी वीडियो नहीं है यार मेरे लिए, 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो, तो 15 मिनट का ये वीडियो ज़रूर देखना आप, ये आप ही को नॉलेज मिलेगा, आप ही की नॉलेज बढ़ेगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा वो भी घर बैठे, तो आप देख सकते हो
कि कैसे स्टोन लगाए जा रहे हैं। स्टोन लगाना तो वैसे बहुत ईजी है, टूथपिक से स्टोन उठा के अप्लाई किया जा रहा है। टूथपिक पे हमें थोड़ा सा चिपचिपा प्रोडक्ट लेना है, पदार्थ लेना है, लाइक जेल आप ले सकते हो, ऐसी कोई चीज़ जो नेल्स वहाँ जाके स्टोन वहाँ जाके चिपक जाए और वहाँ स्टिक से रिमूव हो जाए, ऐसी कोई चीज़ आप ले सकते हो। वैसे जो नेल एक्सटेंशन करता है उसके पास ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट होते हैं, तो जेल आप अप्लाई कर सकते हो। जेल की हेल्प से आप स्टोन उठा सकते हो, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सा मैजिक है जो ऐसे ही डंडी से उठाया जा रहा है स्टोन को। तो ये भाई कोई मैजिक नहीं है, ये जेल का मैजिक है। जेल लगा के आप किसी भी चीज़ को उठा सकते हो, किसी भी चीज़ को इन द सेंस स्टोन को उठा सकते हो, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे किट्स में आते हैं, प्यारे से गुडी बैग में आते हैं, उनको आप उठा सकते हो सिर्फ नेल्स के लिए, जो सिर्फ नेल्स के लिए स्पार्कल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेल्स पे अप्लाई की जाती है, उन सबको आप उठा सकते हो स्टिक और जेल की हेल्प से। सो, एक लेयर मेरी लग चुकी है, आप देख सकते हो। अभी भैया ने क्या किया था, भैया ने ना मेरा एक गोल सा राउंड सा स्पार्कल वाला लेयर बना दिया। मैंने बोला भैया मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैंने उस पर भी स्टोन अप्लाई करवाया। भैया थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाओ, मुँह थक गया मेरा बोल बोल के। यार बस इसमें ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ मुझे पसंद है लगाना। और जिसको भी लगवाना हो, अगर नेल एक्सटेंशन करवाना हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेकअप बाय प्रियंका कौर, तो मुझे वहाँ भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ भी आप जाइए, वहाँ भी बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। अगर आपको कोई लुक पसंद आता है तो प्लीज़ आप रिक्रिएट करो उस लुक को एंड मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो। और अगर किसी को जानना है कि ये नेल्स कितने में मैं लगा के देती हूँ, तो मैं बहुत ही सस्ते में लगा के देती हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट करो, वहाँ डीएम करो। मैं आईडी फिर से बता देती हूँ, मेकअप बाय प्रियंका कौर। तो आपको करना है, ये क्या हो गया यार, गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। सो फाइनली स्टोन लग गए, अब और लगा रहे हैं भैया टॉप कोट लगाएंगे और ये सब लॉक हो जाएगा, जो जहाँ है वो वहीं लॉक रहेगा, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। सो टॉप कोट लगा के ये लुक हो जाएगा फाइनल। तो ये लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मैं न्यू वीडियो लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना सारा टैलेंट। और मैं अभी बहुत ही अच्छी ब्राइडल मेकअप की आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर से बोल रही, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके,